व्यवसायी के साथ मारपीट के घटना को केंद्र कर रविवार जैगो के दुकानदारों के द्वारा अपनी दुकान को बंद कर जैगो थाना में पहुंच नाराजगी जाहिर किया गया है। व्यवसायी का आरोप है कि जैगो शहर में असामाजिक लोगों का बोलबाला हो गया है। इन दिनों असामाजिक लोगों का गिरोह बन गया है, जो लोगों से खासकर यहां के व्यवसायी को डरा धमका कर उनसे गुंडा टैक्स की मांग कर रहे हैं। ये गिरोह जैगो में खाली जमीन वालों को भी परेशान कर रहे हैं। इन दिनों जैगो में रहने वाले साधारण लोगों में आतंक का माहौल उत्पन्न हो। शनिवार रात जैगो के NS रोड के व्यवसायी गौरव अग्रवाल की दुकान के पास उसके खुद की बाइक को पार्किंग नहीं करने दिए जाने को लेकर कुछ लोगों के द्वारा बवाल किया गया। आरोप है कि इस घटना के बाद उस व्यवसायी को उक्त लोगों के द्वारा मारा पीटा भी गया है। इस घटना के बाद आज जैगो के व्यवसायियों के द्वारा अपने दुकान को बंद कर असामाजिक लोगों को सीधे गिरफ्तार किए जाने की मांग करते हुए जैगो थाना में इकट्ठा हुआ गया था। सिचुएशन है कि हमारा दुकानदार को जो है अपना बिजनेस करना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो गया है। हम लोग को दुकानदार जो है सहनशील होते हैं, कोई दो शब्द बोल देता है उसको बर्दाश्त कर लेते हैं, अपनी बिजनेस करते हैं, सबसे अच्छे से बात करते हैं, कोई गर्म भी हो जाएगा तो हम लोग कूल माइंड से हम लोग उससे बात करते हैं। आज के दिन स्थिति ऐसा हो गया कि हम लोग को व्यवसाय करना बहुत मुश्किल हो गया। आए दिन आकर के दुकान में कोई धमकी देता है, कोई कुछ कर देता है। दो तीन घटना हम लोगों का सामने अभी एक हफ्ता के अंदर में हम लोगों का हुआ है, और कल रात को घटना हुआ है कि दुकान के सामने हमारे एक दुकानदार ने जो है मोटरसाइकिल लेकर के अभी खड़ा ही हुआ था, तो कुछ लड़का लोग आकर के बोलता है यहाँ क्यों खड़ा है, तो लड़का बोला कि थोड़ा यही प्यार से बोलते तो काम हो जाता। उसके बाद से उसको लतम घुसम करके उसको मारा गया। उसका पिताजी आया बचाने के लिए, उसका पिताजी को भी धुलाई दिया गया। तो इसके अपवाद में हम लोग जो आज थाना में हम लोग आए थे, एसोसिएशन ने अपना जो है एक डेपुटेशन दिया, FIR दर्ज कराया। आज का हम लोग प्रशासन ने हम लोग का समय मांगा है कि आज हम उसको अरेस्ट कर लेंगे आज रात तक। यदि आज रात तक अरेस्ट नहीं करते हैं तो कल में हम लोग इसको बैठ करके हम लोग निर्णय लेंगे कि हम लोग को क्या करना है। दरकार लगेगा तो हम लोग जयगांव को बंद करेंगे, नहीं तो पूरा गोटा अलीपुर जिला का व्यवसायी को लेकर के हम लोग जो है इस मैटर को लेकर के हम लोग बंद कराएंगे। किस तरह का अत्याचार हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर अत्याचार ये हो रहा है कि आए दिन दुकान में आकर कोई धमकी देकर जाता है, कोई बोलता है कि हमको ये दो, कोई पैसा के भी डिमांड कर लेता है। कल परसों सुनने में आया कि हमारे एक दुकानदार का मोबाइल जो है अपना दिखा रहा है, लेकर के एक लड़का भाग गया। तो इस तरह से घटना होने से जो है हम व्यवसाय कैसे कर सकते हैं? नया दुकान खोलता है उसके लिए भी आ जाता है कि हमारे उसको भी लेके चला जाता है। प्रशासन से हम लोगों का बात हुआ था, एक ठेला से दूसरा ठेला नहीं लगाएगा, उसके बाद में भी दो दो तीन तीन ठेला लगा लगा करके पूरा जयगांव में क्या GT टैक्स ज्यादा उठाने लग गए क्या? पार्किंग लेकर क्या सुविधा है आप लोगों? पार्किंग जो हो रहा है उसको लेकर क्या सुविधा है? पार्किंग के लिए तो जगह ही नहीं मिलता है, जो हम लोग पार्किंग फीस देते हैं, एक साथ में देते हैं, अपना दुकान ये व्हीकल लगाने के लिए जगह नहीं मिलता है, अपनी दुकान के सामने अपनी गाड़ी लगाने के लिए जगह नहीं है। फुटपाथ भी कैप्चर करके रखा हुआ है। पहले था कि एक आदमी जो है एक लाइन से लगेगा। हमारा दुकानदार का जो बीच बीच में जगह दिया गया था, जगह बनाया गया, जो ग्रिप ने बीच में एक स्पेस बनाया था वो स्पेस भी बंद कर दिया गया है, और एक स्टॉल के जाओ उसके जगह पर तीन स्टॉल लग गया। आज हमारा यदि दुकान में किसी प्रकार का एक सामान ले जाना है या सामान निकाल करके हमको लोडिंग कराना है, उसके लिए भी हमारे पास जगह नहीं है। हम टैक्स देते हैं, हम रेवेन्यू ये करते हैं। अलीपुर जिला में हम लोग का जयगांव जो है एक बोला जाए तो मैंने आर्थिक कैपिटल है। हम लोग सारा चीज ये कर रहे हैं, आज हम ही लोग भुक्तभोगी हैं। हम लोग को दुकान में घूमने के लिए, घुसने के लिए कस्टमर नहीं ये होता है, हमारा सामान लोडिंग अनलोडिंग करने के लिए हमारे पास जगह नहीं, हम व्यवसाय कहाँ से करेंगे, ये हमारी मूल समस्या है। आज जो सुबह से आप लोग दुकान बंद करके रखे हुए वो अभी क्या खोल देंगे? प्रशासन ने हम लोगों को जो है आश्वासन दिया है कि हम कालपीट को अरेस्ट करेंगे, तो हम लोग अपना सभी दुकानदार से हम लोग आह्वान करते हैं कि अपना अपना दुकान खोलें। यदि वो अरेस्ट नहीं करते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं, तो पूरा विस्तृत तरह से हम लोग अपने दुकान को बंद कर देंगे। वो जैसे भी है वो उनको पकड़ करके उनके साथ में और जो कई दुकान में, एक ही दुकान में नहीं हुआ है, कई दुकान में हुआ है,
उनको ये करके अरेस्ट करेंगे। यदि जो भाई अपना दुकान बंद किए हैं अपना दुकान खोल देवें, यदि प्रशासन यदि इसमें हम लोग को सहयोग नहीं करेगा तो हम लोग सभी लोग एक ही साथ दुकान को बंद करेंगे। आज अभी जो है आज पकड़ेंगे जैसे कोई कस्टमर भी आता है ना, आप ये जो है ना, ये हम लोग को अच्छा पॉइंट मिला है।